एक अलेख के बाद और बे निशराना दस मुल्ला इको अलेख सिद्धा कम घट आया अलेख नो कम घट तो मीम बन गया सी बे निशराना दस मुल्ला इको अलेख सिद्धा कम घट आया उहो यार कलोकड़ी रात वाला आज भेष बटा के वट आया नूरी भुख ते मीम दबा बुरका नाले जुल्फ दा कुंडल खत आया अली हैदरा उहो आहर हाई हुन अहमद बन के वट आया अली हैदरा उहो आहर हाई हुन अहमद बन के वट आया बम्बा इसरार गजदानी मतलाइन वारे रहमानी मस्तरे फयूज हक्कानी हजरत सैयद साईं शेर मोहम्मद गिलानी कादरी फतापुरी कंदर सल्लाहु सल्लाहु होरानी आप फरमाइए से सी तो साडा दूजा हो ना कोई क्योंकि महबूब के नजदीक मुहिब का कोई सानी होता ही से सानी तो साडा दूजा हो ना कोई तेरी वहदत बोलो ढोला कसरत होई अहद अहमद अंदर केहा फर्क रखे होई ढोला मीम दा ओला परदा हो ढोला मीम दा ओला परदा हो ना कोई तो जिन्ना ने सूरत च बेसूरत दा जलवा वेख्या सूरत च बेसूरत क्योंकि बेसूरत नु वेखण दा होर कोई जरिया बेसूरत नु वेख्या नहीं जा सकता ला मकान ढूंढिया नहीं जा सकता जिन्हां ने भी उस बेसूरत नु वेख्या उन्हां महबूब दी सूरत च वेख्या महबूब दी सूरत च वेख्या हजरत साईं शेरन पाक ने जैसे हुजूर सैयदी कुतुब अलकताब फर्द अफराद गौसुल अखलास आला हजरत सैयद कुतुब अली शाह साहिब बुखारी कादरी हुजूर साईं कुतुब आलम पीर महल्लवी अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हकीकत नु वेख्या तो फरमाया ये कोई मेरी आंखियां नाल वेखे साकी दिसदी ए जात खुदा खुदा वेले ये कोई मेरी आंखियां नाल देखे साकी दिसदी जात खुदा मौलवी आ गए इकरार करे उना क्या हुजूर ए की जा फरमाया ने के कोई मेरी आंखियां नाल देखे साकी दिसदी जात खुदा वेले ए की फरमाया ने इसकी वजाहत ना करो इसके तक सफर का फतवा लग सी फरमाया साईं शेरन पाक ने मौलाना मैं आख्या के कोई मेरी आंखियां नाल देखे लेकिन अबू जहल का वेखना होर है अबू बकर का वेखना होर है हुजूर तशरीफ फरमा ने काबे दे सीने च काबे दे सीने बैठे ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल तशरीफ फरमा ने अबू लहाब ने समाणी हुजूर दी चाची अबू लहाब दी बीवी जिसने बारे कुरान ने फरमाया तबत यदा अबी लहाब ओ अबू लहाब दी बीवी हजूर दी चाची ओ हाथ ते डांग फट के डांग हाथ ते पड़ी होई सी ते अंधी पई हजूर दी तरफ अबू बकर सिद्दीक नाल बैठे ने सिद्दीक एक बार अर्ज कर देनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू इस माई दे इरादे को ठीक नहीं लगदे परेशान होए भाई हाथ ते डांग फट्टी होई सी ते अंधी पई है बच्ची अंधी है ਕਿਦਾਈ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਚਾਚੀ ਵੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਂਦੀ ਆਈ ਰੋਜ਼ ਵੇਂਦੀ ਆਈ ਅਬੂ ਦਾ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਣੀ ਵੀ ਵੇਂਦੀ ਅਬੂ ਜਹਾਰ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਅਬੂ ਸੁਫਿਆਨ ਵੀ ਵੇਂਦਾ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਮੌਕਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ
करीब आई, आके हजरत अबू बकर सिद्दीक को आखन लगी, अबू बकर तेरा बेली की दे, वो तेरा दोस्त किदे है, वो जो इधर कलमा पढ़ता बना हुआ है वो किदे है, जिससे तू ईमान लाया है वो किदे है, जिदे ने तू सारा कुछ लुटा छड़ी आयो किदे है। हुण अबू बकर सिद्दीक होवे और आखे भी महबूब नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। जनाबे सिद्दीक अकबर ने फरमाया, माई ऐ मेरे नाल का तशरीफ फरमा, ऐ मेरे नाल का बैठे, आखन लगी किधर बैठा मेरे नाल तशरीफ फरमाए। उस आखिया तू झूठ बोले, तेरा नाम का सिद्दीक रखा गया है, तू कौन है? जनाबे सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैनू कसम है मेरे मां बाप की, मेरा मां बाप मेरे नाल बैठा, वो आंधी की मेरे नाल मजाक करता पे, बुड़बुड़ाई हुई मुंह में जो जांदी हुई चली गई। जनाबे सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये की माजरा होया, ये की होया, आज की होया, मेरे घर रोजे तुहानू भेजे आए, आज की हो गया? हुजूर ने फरमाया, ऐ अबू बकर आज मैं तैनू ये दिखाना हा कि मैनू वेखण वास्ते सिद्दीक की नजर चाहिए है, मैनू वेखण वास्ते तेरी निगाह चाहिए है। अबू लहब कौन होता है मैनू वेखण आ, उंदी बीवी कौन होती है मैनू वेखण वाली, मैनू वेखे तां तू वेखे, मैनू वेखे तां अली वेखे, मैनू वेखे तां उमर वेखे, मैनू वेखे तां उस्मान वेखे, मैनू वेखण वास्ते आशिक दी निगाह चाहिए है। और आशिक ने सिर ते देण ते ओ पुकार उठ देण, अली हैदर आओ आहा हाई मोहम्मद बन के। मैं गल खत्म कर रहा, अर्ज़े है कि साड़ियां निस्बतां उन्हां नाल कायम है। हजरत सैयद गुलाबदी शाह साहब पीर महल्ली, हजरत सैयद मेर अली शाह साहब गिलानी गुलानी, अल्हम्दुलिल्लाह साड़ियां निस्बतां उन्हां नाल कायम है जिन्होंने सूरत च बेसूरत दे जलवे विखाए, जिन्होंने महबूब की सूरत च ज़ात दे जलवे विखाए ने, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत सैयद मेर अली शाह साहब गिलानी गुलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने किस खूबसूरत अंदाज़ में सूरत और बेसूरत का बयान फरमाया है। मैं यहीं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और मैं अक्सर अपनी गल यहीं खत्म करता हूं क्योंकि गल मुकदी यहीं आ रही है। आला हजरत सैयद मेर अली शाह साहब गिलानी गुलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस खूबसूरत अंदाज़ में आपने हकीकत का बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं ये सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत ज़ाहिर सूरत थी, बेरंग से इस सूरत थी, विच बहुत त्रुटियां जद गड़ियां, इस सूरत नु मैं जाना था, जाना के जाने जहां ना था, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान दी शाना सब बड़ियां, यह सूरत शाला पेश नजर, रहे वक्त नजाते रोजे हशर, कल पुल ते हो सी ये सिर गुजर, सब खोटियां थी सन तक खरियां, दसे सूरत रा बे सूरत रा, ये राज है ऐन हकीकत दा, इथे कम नहीं बे सूरत दा, कोई बिरलियां मोती लै टुरियां, सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का, किथा मेरे अली किथा तेरी सना, उस्ताद की किथा जा रही वाखिर।